दोस्तों आज है 23 मार्च सन 2024। आज ही की तारीख पर सन 1931 यानी कि 23 मार्च सन 1931 को शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सज़ा दी थी। उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। कारण क्या था? वो देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। आज की कहानी हमारे उन्हीं शहीदों को समर्पित है। दिन और तारीख की ज़रूरत नहीं, जब हम अमर अनंत की कहानी कहने चले हैं तब एक दिन और एक ही तारीख पकड़कर क्यों चलें। उसके घर में पिता था, माँ थी, बहन थी, वो पूरे घर का दुलारा था। एक दिन की बात है, वो बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल रोक दिया, पर उसका बार बार कुछ खाने को मन करता। छोटी बहन से ये सहा ना गया, बहन का जी न माना। वो चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और भैया को खिलाने चली। ये बात और है कि उसके बाद भैया का बुखार चढ़ा। इसके लिए माँ बाप का गुस्सा सहने को भी तैयार थी, पर भाई ने भी वो गुड़ चने की बात किसी को ना बताई और बहन बताती ही क्यों। खैर, किसी तरह रोग बढ़ते बढ़ते खत्म हो गया। रोग गया और बहन की प्रेम की वो बात सदा के लिए भाई के मन पर छप गई। ऐसी ही एक नहीं, अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थी। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए मनों में भी नई जान आ गई। एक हवा ऐसी होती है जो मुरझाए हुए पौधों में ताजगी ला देती है, और एक हवा ऐसी होती है जो मुर्दा मन मनुष्यों में नई उमंग भर देती है। ये उमंगों वाली हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकला, कौमी झंडे का जुलूस था वो, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस न निकले, झंडा ना निकले। शहर में आतंक छा गया। बड़ा जालिम था वो बादशाह। बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडे, भाई ने बहन से कहा। बहन क्या कहती है, उसने सुन लिया। बहन फिर बोली, कौन है ये बादशाह? भैया ने कहा, ओह होगा कोई। बहन ने फिर पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडे? भाई कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। बहन का उत्तर था, तब तो ज़रूर निकले जुलूस, हम ज़रूर फहराएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन रोकता है हमें। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना लिया, लाल हरा रंग भी चढ़ा दिया। भाई ने उसे अपने खेलने के झंडे से बांध दिया। झंडा तैयार था, अब भाई झंडा लेकर चला। बहन आग्रह से बोली, अरे भाई जाते कहाँ हो, हम भी साथ चलेंगे। पर बहन, बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। नहीं भैया। नहीं बहन, जुलूस कौन बनाएगा, तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर पीछे चलेंगे। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। बहन ने खुशी की किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई। थाली में एक दिया भी जल रहा था। भाई की आरती उतारनी थी। मुँह के चारों तरफ घूमती थाली एक आभा मंडल बनाने लगी। उसने देवी देवताओं के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। भाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर वो बहुत खुश हो गई। बहन ने भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए। तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलाएं ले ली। अब वो झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियों की राजकुमारियां इसी तरह विदा करती थीं और देखती खड़ी रह जाती थीं। दूर तक भाई के लहराते हुए झंडे को जाते हुए देखती रही वो। बहुत दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वालों को रोका। वो नहीं रुका और बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वो गिरा, झंडा उसके हाथ में था। गोलियां चल जाने पर किसकी हिम्मत कि वो सड़क पर जाए और घायल को संभाले। पर बहन ने उसको गिरते हुए देख लिया था। न जाने क्यों उसका दिल पहले से ही कुछ धक धक कर रहा था। वो दौड़ पड़ी, अकेली दौड़ती जा पहुंची। भाई खून से लथपथ पड़ा था। पुकारा, भैया। भाई के प्राण मानो ये अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। बोला, तू आई, ये झंडा ले। बहन ने झंडा ले लिया, पर भाई चला गया। बहन रोई पर झंडा हाथ में लिए रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए थे। अब बहुत से लोग आए, अर्थी उठी, सामने भाई की बहन वही झंडा लिए चल रही थी। बादशाह का हुक्म था कि जुलूस नहीं निकलेगा, कौमी झंडा नहीं निकलेगा। पर जुलूस निकला, झंडा भी निकला। ये कहानी कहाँ की है, किसकी है, हम क्या बताएं? ये फ्रांस की राज्य क्रांति हो सकती है, ये रूस की राज्य क्रांति हो सकती है, ये हिंदुस्तान की सन 1942 की क्रांति भी हो सकती है, क्योंकि ये घटना चिरंतन है, अनंत है। ये जैसे पेरिस में, मास्को में, वैसे ही जबलपुर में भी हो सकती है। जबलपुर में? तो क्या ये उस वीर बालक का नाम गुलाब सिंह हो सकता है?
दोस्तों, ये सवाल आपके लिए है। आपको ढूंढना है, आपको सर्च करना है कि क्या वो बालक जिसका जिक्र इस कहानी में किया गया, उसका नाम गुलाब सिंह था। अगर आप ये नाम ढूंढ पाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।